हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज दिसंबर 26 क्रिसमस का सेकेंड डे है। ये त्यौहार ऐसा ही है जिस तरह हमारे पास ईद के बाद होता है, मार्केट्स आलमोस्ट दूसरे दिन बंद होती हैं, तो यहाँ भी सूरत हाल कमोबेश यही है, सवाए इसके कि कुछ प्राइवेट रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स खुले रहते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग क्लोज होती है। तो चलें आज हम डिट्रॉइट की तरफ चलते हैं, देखें कि क्या सूरत हाल है, आपको डिट्रॉइट की सैर कराते हैं। चेज़ बैंक जहाँ से कुछ पैसे एटीएम से निकलवाए जाएँ, क्योंकि डिट्रॉइट में पार्किंग इज़ नॉट फ्री। तो कई तरह के जेब में कुछ पैसे होने चाहिए, अगर हम पार्किंग लॉट में कोई गाड़ी खड़ी करें तो कोई पेशेंट ना हो। चेज़ बैंक के एटीएम की लाइन में आ गया हूँ, आपको ये अपनी बारी से आगे बढ़ेगा। तो कुछ पैसा निकलवाते हैं तो जेब में कुछ होना चाहिए, इसके बाद फिर डिट्रॉइट की तरफ। आज आपको वही कहा जैसा कि डिट्रॉइट की सैर कराएं कैसा है। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका कि आज क्रिसमस का दूसरा दिन है, दिसंबर 26 की छुट्टी है, तो कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। जो वेदर ख़राब था दो दिन पहले, आप देख लें साइड पे स्नो पड़ी हुई है, बर्फ जो पड़ी थी वो पड़ी हुई, लेकिन रोड सारे साफ हो चुके हैं। यही दैट्स द ब्यूटी ऑफ अमेरिका, यही अमेरिका की खूबसूरती है कि यहाँ सब इसको अवॉइड की जाती है, चाहे कितने भी तूफान आए, क्या है उसके बाद जो हमारे सिविल अदारे हैं वो काम पर लग जाते हैं। कोई यहाँ पे नहीं है कि कोई डीसी पैसे लेकर भाग गया, अरब रुपए लेकर भाग गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कोई कार्ड नहीं। फाइनली हम I-75 साउथ में जा रहे हैं टूवर्ड्स डिट्रॉइट। अगर हम I-75 पे साउथ में रहेंगे तो 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद फ्लोरिडा स्टेट आ जाएगी, जिस पर अगर और 6 घंटे 8 घंटे चलाएंगे तो हिंद समंदर ओशन, जिसके नेक्स्ट मैक्सिको। और अगर हम इसी रोड पे इसको उल्टे नॉर्थ में चले गए शिमाल में, तो हम कैनेडा पहुँच जाएंगे लेकिन तकरीबन यहाँ से 7 घंटे के बाद। सो ये रोड मिशिगन, या ये कहा जाए कि इससे नॉर्थ साउथ जाती है, उसके एक एंड पे कनाडा और दूसरे एंड पे फ्लोरिडा। Welcome back to my channel. We are right now in Detroit. I just parked my car at the Jefferson. I'm not sure if the parking is free today or not, but I parked at the meter parking. Today is, it looks like might be here today. This is Renaissance Center, where there is a headquarter of General Motors. Next to it is Canada. You see duty free, that's towards Canada, and the buildings you see other side, they are other side of river, it's, they are in Canada, not in USA. So let me show you the how the tunnel runs here. There are two ways, either you can go on tunnel or there is a bridge on Highway 75 or 96. जैसा कि आज क्रिसमस का दूसरा दिन है, आपको बता चुके हैं, तो एवरीथिंग इज़ क्लोज,
मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, ट्रैफिक नहीं होगा, पार्किंग भी फ्री होगी, कोई इतने ज़्यादा रश भी नहीं होगा, तो आपको डिसाइड की सैर इस तरह से उसी बहाने से कराई जाए। मौसम भी आज ठीक है, कदरे बेहतर है, तो निकले हैं। ये इस तरफ टनल है जो कनाडा की तरफ बहता है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये कनाडा से आ रही हैं, ये भी क्या इमिग्रेशन वहाँ पे हुई होगी, इंटरनेशनल पता नहीं है कि उसकी टिकट निकाली जा सकती है नहीं। ये ऊपर हमारे पीपल्स ट्रेन चलती है जो थ्रू आउट डाउनटाउन में चलती है, जो कि आप देखें ऊपर से रेनेसेंस सेंटर में भी अंदर जाती है और पूरे शहर में जो डाउनटाउन में घूमती है। तो जिसका इसी तरह से ही है जिस तरह हमारे पास कराची में आज पर डे पास भी हो, बट 50 सेंट पर ट्रिप का क्या डे पास लेना। बिल्डिंग में चली गई, ये एक्चुअली बिल्डिंग में से ही उसका दूसरे बिल्डिंग में ही इसका एक तो स्टॉप है एंड आगे से फिर वो निकलेगी। चले इसका वेट कर लेते हैं तब तक हम फोटोग्राफी रिसीव। ये देखिए निकली है बिल्डिंग में से, अब दूसरे तरफ रेनेसेंस सेंटर के अंदर चली जाएगी। ट्रेन मेरे कॉलेज 50 सेंट, दो चार साल पहले मैं इसमें बैठा हूँ तो 50 सेंट था, आजकल का पता नहीं है, ऑलमोस्ट वही होगा या हो सकता है कि डॉलर वगैरह बढ़ा दिया हूँ। एक इसका स्टेशन वेलेंडर सेंटर, शहर अभी तो छुट्टी है तो कोई रश नहीं है, इस शहर को देखना हो तो फिर रात के टाइम पे आए बंदा, डाउनटाउन को अगर देखना हो एंड स्पेशली वीकेंड पे आए तो फिर इसकी बात है, रश वगैरह ये वो ट्रैफिक लोग अल्ला गुल्ला मार धार ये होती है, स्पेशली जब लॉन्ग वीकेंड वगैरह होता है तो काफ़ी शूटिंग वगैरह होती है, लोग बाहर वगैरह से निकलते हैं। अदरवाइज बहरहाल शहर का ये हिस्सा पुरअमन है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ डिट्रॉइट को जो शहर है अमेरिका के 5 ख़तरनाक शहरों में से एक है डिट्रॉइट शहर, बट डिट्रॉइट बहुत बड़ा शहर है, उसकी पॉपुलेशन वगैरह के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अच्छी खासी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही पुरानी, उनमें से ये एक सामने भी है नज़र आ रही है। यहाँ इस शहर के अर्बन शहर सिटी में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी भी है जिसमें मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, कुछ पाकिस्तान से आए हुए अच्छे खासे लोग जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है उनको, वो भी यहाँ पे आए अर्न करते हैं, वापस भी जाते हैं, कुछ इधर ही रह जाते हैं। ये देखें एक यूनिक बिल्डिंग है, फेमस मुक्का ऑफ डिट्रॉइट, फेमस मुक्का ऑफ डिट्रॉइट, इसकी भी एक कहानी है।
Michigan Avenue. Sardi coffee, unfortunately. अदरवाइज मौका अच्छा था, हम रुक के आपको शहर की एक एक गली का आपको टूर कराता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्दी की वजह से ये मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, सब जिंदगी है तो समर भी आएगा, बाहर भी आएगी, मौसम बदलेगा, फिर आपको दोबारा शहर की सैर कराई जाएगी। पहले ही खड़ा हुआ है, शायद किसी को टिकट दे रहा है या ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। अब हम चल रहे हैं वुडवर्ड स्ट्रीट पे, जिस पे के आजकल क्रिसमस ट्री लगी हुई है। यहाँ पे काफी अलग अलग होता है, ये देखें। यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी लगी हुई है, अभी दिन की रोशनी में कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन रात को यहाँ पे कुछ माहौल ही कुछ दूसरा होता है। किस्मत रही तो आपको एक दो दिन में यहाँ पे शाम के टाइम पे भी आए हैं। If I can park anywhere, कोई suitable जगह मिल जाए जो कि इस spot को करीब भी हो, तो फिर park करके तो आपको